यूपी की खबरों से पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ सहारनपुर के दौरे पर हैं। आज सीएम योगी का सहारनपुर मुरादाबाद दौरा, आज सहारनपुर में करेंगे मंडलीय समीक्षा। 30 जून को मुरादाबाद में करेंगे समीक्षा बैठक। सीएम के तेवर से अधिकारी, सीएम योगी का सहारनपुर मुरादाबाद दौरा, आज सहारनपुर में करेंगे मंडलीय समीक्षा। 30 जून को मुरादाबाद में करेंगे समीक्षा बैठक। सीएम के तेवर से अधिकारी हलकान। सीएम योगी का सहारनपुर मुरादाबाद दौरा, आज सहारनपुर में करेंगे मंडलीय समीक्षा। 30 जून को मुरादाबाद में करेंगे समीक्षा बैठक। सीएम के तेवर से अधिकारी हलकान। सीएम योगी का सहारनपुर मुरादाबाद दौरा, आज सहारनपुर में करेंगे मंडलीय समीक्षा। 30 जून को मुरादाबाद में करेंगे समीक्षा बैठक। सीएम के तेवर से अधिकारी हलकान। सीएम योगी का सहारनपुर मुरादाबाद दौरा, सीएम योगी और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ के न्यूज के संपादक संजय राजन जुड़ चुके हैं। संजय राजन जी, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर के दौरे पर, क्या कुछ खास निकल के आ सकता है? देखिए, मंडलीय समीक्षा का दौर जारी है और हर एक मंडलीय समीक्षा में जिस तरह से सीएम योगी की शक्ति देखने को मिल रही है, चाहे वो केंद्र सरकार की बात कर ली जाए या फिर प्रदेश सरकार के जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उसका जमीन पर क्या असर पड़ रहा है, लोगों को कितना राहत मिल रहा है, लोगों तक विकास कार्य किस हद तक पहुंच रहा है, इन तमाम चीजों की वो गहन समीक्षा कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, वाराणसी दौरे में आपने देखा था कि किस तरह से उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि भ्रष्ट जो पुलिस कर्मी है उनकी सूची तैयार करके उनके संपत्तियों को सीज किया जाए। भ्रष्ट अधिकारियों को नौकरी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। लगातार वो भ्रष्टाचार के खिलाफ, और सरकार का जो धन है वो जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के चुनी सरकार के जरिए उन तक पहुंचाया कैसे जाए, इस बात को लेकर के सीएम योगी लगातार प्रयासरत हैं। और ऐसा लगता है कि सहारनपुर में आज वो जा रहे हैं जिस मंडलीय समीक्षा बैठक में, वहां भी अधिकारियों की खैर नहीं होगी। हालांकि ये भी दिगर है कि जो अधिकारी बेहतर काम करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, उसकी भरपूर सराहना करते हैं, लेकिन जहां भी उन्हें भ्रष्टाचार या इस तरह की कोई कमियां नजर आती हैं जिससे सरकार की जो नीयत और नीति है उस पर सवाल खड़े हों, उसे वो कतई बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। कुल मिलाकर के ये जो 2 दिवसीय दौरा है सहारनपुर और मुरादाबाद का, निश्चित तौर पर हमें लगता है कि सख्त तेवर और कई अधिकारी जो लापरवाह हैं उनके ऊपर गाज गिरता हुआ नजर आएगा। और हमें लगता है कि अब किसी भी कीमत पर योगी आदित्यनाथ, चूंकि अभी प्रथम चरण में मंडलीय समीक्षा कर रहे हैं, उसके बाद ये ग्रामीण अंचलों में जाएंगे और रात्रि विश्राम भी गांवों में करने वाले हैं। संभवतः ये मानसून सत्र के बाद ये प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन मानसून सत्र के पहले जितने भी मंडल हैं उनकी समीक्षा करके अधिकारियों को एक चेतावनी भी दे रहे हैं, एक सलाह भी दे रहे हैं, एक मशवरा भी दे रहे हैं कि जो भी योजनाएं हैं उसको बेहतर तरीके से, पारदर्शी तरीके से, भ्रष्टाचार मुक्त रहते हुए जनता तक पहुंचाए। तो कुल मिलाकर के ये दौरा काफी अहम है और निश्चित तौर पर सबकी निगाहें इस बात पर टिकी होंगी कि सहारनपुर में आखिर क्या अधिकारियों को सीएम योगी का निर्देश आदेश मिलता है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सभी जानकारी के लिए। आज सहारनपुर में करेंगे मंडलीय समीक्षा, 30 जून को मुरादाबाद में करेंगे समीक्षा बैठक और इस दौरे में कई अधिकारियों के पे गाज भी गिरने की संभावना है। लगातार सीएम योगी एक्शन मोड पे दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, आज सहारनपुर के दौरे पर हैं सीएम योगी।